हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। हाय हाय बोलो। चिड़िया का पानी रखा हुआ है तो ये पानी पानी आज करेगी। चलो तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, आज करेंगे हार्वेस्टिंग गोभी की, टमाटर की। तो आज चलते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गोभी की हार्वेस्टिंग। तो गोभी कहाँ है, ये देखिए, 2 साल की बच्ची लेकिन सब चीज आपको बता देगी। गोभी कहाँ है, टमाटर कहाँ है, बैंगन कहाँ है, तो ये बच्चा सब चीज जानता है और सब कुछ बता सकता है। धनिया कहाँ है, अरे ये धनिया है। धनिया भी हमारी इतनी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं है, बट गोभी हो गई है तो गोभी की हम हार्वेस्टिंग करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा गोभी है और इसका साइज देखिए, अब ये जो है बिल्कुल रेडी हो गया है ये हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट साइज है और काफी बड़ा साइज है, तो इसे आज हम कर लेंगे हार्वेस्ट। तो लाइए हम इसको कर देते हैं यहाँ से कटिंग इस तरह से। तो ये देखिए ये गोभी कितनी अच्छी गोभी है, पकड़ा। तो यहाँ पे हमारी एक गोभी थी जिसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया और ये हमारी दूसरी गोभी है, तो ये भी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसे भी हम हार्वेस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसे भी काट लेते हैं। अपनी गोभी ले लो, ले लो। तो इस तरह से हम गोभी काट लेंगे, उसके बाद हम मिट्टी इसकी जड़ को निकाल के साफ कर लेंगे। और ये हमारा गोभी देखिए कैसे कितना अच्छा है, बड़ा साइज का है, काफ़ी बड़ा गोभी है। तो इस तरह से हम 2 गोभी हार्वेस्ट किए हैं। अब चलते हैं हम टमाटर को हार्वेस्ट करने। तो अब हम चलेंगे टमाटर के पास। तो गोभी गोभी देखिए कैसे, गोभी हाय बोल दो, आसवी गोभी दिखा दो सबको। देखिए हमारे छत की गोभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारी गोभी की साइज देखिए, बिल्कुल 1 केजी से कम की गोभी नहीं है। और अभी इतनी गर्मियाँ चल रही हैं फिर भी हमारी गोभी हार्वेस्ट हो रही है। अभी तो और भी गोभियाँ हैं लेकिन हमने यहाँ पे 2 गोभी को हार्वेस्ट किया है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने टमाटर लगाया है जो पानी की टंकी में आप सब देख सकते हैं, और ये टमाटर बिल्कुल ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और इस तरह से देखिए हम टमाटर बिल्कुल पक गया है, टमाटर तो बहुत है, अभी पकना भी शुरू हो रहा है, कुछ में फूल आ रहे हैं, कुछ अभी छोटे पौधे हैं। तो हम टमाटर भी इस तरह से हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से साइज कुछ बड़ा भी है कुछ छोटा भी है। जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी ना, टमाटर का जो साइज है आपका वो छोटा होते चला जाएगा, क्योंकि जितना छोटा रहेगा उसी में जो है टमाटर आपका पक जाएगा। तो हम अपना देख लीजिएगा सुविधा के अनुसार, ये नहीं कि टमाटर जो है सारे टमाटर में जितने भी पौधे लगे हैं वो सब रेड ही हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ टमाटर जो हैं आपके छोटे भी पक जाएंगे। गर्मियों में आप आसानी से टमाटर अभी लगा सकते हैं, अभी भी मौसम है, जो लोग टमाटर नहीं लगाए हैं वो लगा सकते हैं। देखिए हमारा ये ग्रो बैग में भी टमाटर लगा है, तो इसे भी हम तोड़ लेंगे क्योंकि ये भी टमाटर मेरा पक रहा है। तो यहाँ से हम इस टमाटर की हार्वेस्टिंग करेंगे। देखिए इस तरह से देखिए गुच्छों में बिल्कुल टमाटर लगी है और छोटे छोटे भी पक जा रहे हैं, तो शायद ये गर्मियों का ही असर है। शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छे हमारे टमाटर हुए थे, बड़े बड़े साइज के, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है वैसे वैसे जो है हमारा टमाटर छोटा होते जाता है। अब हमारे टमाटर रेड हो गए हैं तो उसे भी हम तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला टमाटर बता के गई है कि ये रेड है। इतना इसको पता है कौन सा टमाटर रेड है, कहाँ पे है, सब चीज़ आपको बता देगी। तो और बाकी सब टमाटर देखिए अभी काफ़ी ग्रीन है, तो कुछ ही टमाटर हम यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे। टमाटर देखिए हम लोग के डेली यूज के खाने के इस्तेमाल का ये चीज़ है, तो अपने सुविधा के अनुसार हमेशा हम लोग टमाटर तोड़ते हैं, जैसे जैसे हमें खाना होता है वैसे वैसे। देखिए ये पहले की टमाटर है तो ये कैसे बड़े साइज के हैं, वहीं ऊपर आते आते जो है साइज छोटा हो जाता है। तो इस तरह से टमाटर होती है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं इस तरह से हमने इतने सारे टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। बाकी अभी तो कुछ सब्जियाँ ऐसे हैं जिनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो मौसम है अभी आपका
सर्दी ख़त्म हो गई है, गर्मी की शुरुआत है, तो इस स्टेज में हमें सब्जियां उतनी नहीं मिलेगी जितनी हम आप एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि अभी तो पौधे लगाए ही जा रहे हैं तो फ्रूटिंग कहाँ से होगी। पौधे लगाने की प्रक्रिया में हम लोग अभी बैंगन है तो बैंगन देखिए हमने कुछ पहले थोड़ा लगाया है तो फूल भी आ रहे हैं, नहीं तो अभी तक बैंगन छोटे छोटे ही हैं, भिंडियाँ भी काफ़ी छोटी है, कुछ टमाटर देखिए अभी इतने छोटे हैं। तो इस प्रक्रिया ये जो अभी वन मंथ ये जो पूरी मार्च रहेगी हमारी इसी टाइप का रहेगा, इसमें ना उतनी सब्जियां निकलेंगी और ना ही उतना हम आपको हार्वेस्टिंग दिखा पाएंगे। अभी तो सब्जियां काफ़ी छोटी छोटी ही हैं, बैंगन ये देखिए हमारा प्रूनिंग कर दी थी उसके बाद इसमें बैंगन लगे हैं तो ये अभी काफ़ी छोटे हैं तो मैं इन्हें हार्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब है अभी तो इधर पूरा बैंगन है, इधर है धनिया, तो धनिया है तो अपने सुविधा के अनुसार हम हार्वेस्ट करते हैं। बाकी लेट्यूस है तो लेट्यूस भी देखिए जब हम लोग को खुद सलाद खाना होता है उस समय सुबह या शाम 4-5 पत्ते बस हार्वेस्ट करते हैं और ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि छत पे जब गार्डनिंग है तो थोड़ा फ्रेश चीज़ हम लोग लेते हैं, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक भी रहती है तो हम दवाइयाँ का भी प्रयोग नहीं करते हैं तो कोई हमें रीज़न नहीं लगता है कि हम तुरंत काट के खा सकते हैं। अगर दवाई वगैरह रहती है तो समझ में भी आता है कि हमने दवाई स्प्रे किया है तो हम कैसे इसे तुरंत खाएं, तो वो चीज़ होता नहीं है, दवाई हम लोग डालते नहीं हैं और तो तुरंत अपना खाने के टाइम ही उसको तुड़ के खाते हैं। बाकी जो हमारी गोभी है तो अभी तो देखिए बहुत सी गोभी अभी लगी है तो ये मेरा पूरा मार्च लास्ट मार्च तक से लेके हो सकता है अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी चले, तो अभी तो ये कंटेनर मेरा खाली नहीं होगा, उसके बाद अप्रैल में इसे हम खाली करेंगे, उसके बाद देखते हैं हम इसमें कौन से बीज डाल सकते हैं। पौधे तो हमारे पास अभी उतना नहीं है, पौधे ख़त्म हो गए हैं, 2-4 पौधे हैं तो देखते हैं ट्राई करते हैं क्या लगेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गोभी, इधर भी देखिए पालक था तो पालक की हमने हार्वेस्टिंग कर दी थी तो आप लोग को नहीं दिखा पाए। बाकी टमाटर इस ग्रो बैग में भी टमाटर बहुत ज़्यादा है। हाँ मिर्च है तो ये देखिए मेरा बहुत से लोग कमेंट करते हैं मिर्च के बारे में, तो मिर्च पे मैंने एक अलग अपना ये किया है, देख रही हूँ क्या सही में मिर्च का क्या मतलब कैसा है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मेरा फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या ज़्यादा है, तो मैंने मिर्च में एक चीज़ ये नोटिस किया है कि हमारे जो मिर्च के कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनमें ना भी कुछ करो ना तब भी उनके फूल ड्रॉप नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो है फूल ड्रॉपिंग हो जा रही है। वो कैसे देखिए मेरा ये मिर्च आज से नहीं, मेरे गार्डन में ये विद इन 4-5 साल से है। मैं क्या करती हूँ कि खुद इस तरह से जब बीज रेड हो जाते हैं तो मैं मिर्च स्प्रिंकल कर देती हूँ अपने मिट्टी में और इस तरह से देखिए हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये सब हमारे इसी मिर्च के पौधे हैं, तो इस मिर्च की खासियत मेरे पास ये है कि इसमें कभी फूल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं हुई, यहाँ तक कि जितने भी मिर्च थे सब जो है फ्रूटिंग हुआ है, कोई भी फूल ड्रॉप नहीं होता और अच्छी लंबे समय तक फूल खिलता है। तो मैं आप लोग से मिर्च के बारे में ये कहूँगी कि आप घर के बीज ट्राई ना करें। दूसरी चीज़ कि आप जब भी मिर्च खरीदे कोशिश करें आप अपने नर्सरी के में जाएं और फ्रूटिंग वाला जो है मिर्च खरीदें, जिससे मिर्च में जैसे फल लगा हुआ मिर्च का जो पौधा होता है उसको जब आप लाइएगा गार्डन में लगा दीजिए और उसी के बीज से आप हमेशा जो है अपना पौधा तैयार कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको एनी टाइम मिर्च सही क्वालिटी का रहेगा। देखिए कुछ पौधे मैंने इस तरह से लाए थे, ये नर्सरी से जो है छोटे छोटे पौधे जिसमें फल नहीं लगा हुआ था, तो ये वाला पौधा उसका है तो इसमें अभी तो फूल आ रहे तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये हमने बीज से तैयार किए हैं ये वो मिर्च का पौधा है तो इसमें देखिए फूल ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा है, इसमें फूल भी झड़ रहे हैं और उतनी फ्रूटिंग अच्छी भी नहीं है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि ट्रीटमेंट अपनी
बड़ी जगह है, लेकिन कुछ पौधे और बीज ऐसे भी मिर्च के हैं जिन्हें अगर आप अच्छे क्वालिटी के लगाते हैं तो आपको लंबे समय तक जो है मिर्च की हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए मिर्च के मामले में खास करके कि बढ़िया क्वालिटी का नर्सरी से जाके उसके बारहमासी टाइप से जो हमेशा फलता हो, नर्सरी वाले छोटे ही हो लेकिन अच्छे हों, तो वो आप ला के लगाइए तो आपको मिर्च की अच्छी मतलब मिर्च हमेशा पैदावार अच्छी मिलेगी। ये ना कि घर के बीज या फिर आपको कोई बता दिया या फिर आपके अगर फ्रेंड्स सर्किल में वैसे लोग हैं जो मिर्च की अच्छी क्वालिटी के बीज लगाते हैं तो क्या कीजिए कि आप जो है उनके यहाँ से मिर्च ला के लगाइए। लेकिन अमूमन आप कोशिश कीजिए कि आपकी मिर्च की क्वालिटी अच्छी हो, तब आपकी फुल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं होगी और मिर्च भी काफ़ी अच्छे आपके आएंगे। तो ये रहा मिर्च का अपडेट। बाकी देखिए इस साइड जो है मेरा जितना भी मिर्च लगा है मैं उसी के बीज से लगाई हूँ ताकि हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करना ना पड़े, क्योंकि मिर्च में भी बहुत ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है अगर फुल ड्रॉपिंग की समस्या होती है तो। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए वो फुल ड्रॉप होगा ही होगा, पौधे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा गार्डन का था अपडेट। थोड़ा बहुत इधर मैं लेबड़ी में दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, पक गया है, तो इसे भी हम हार्वेस्ट करेंगे धीरे धीरे क्योंकि लंबा टाइम लग जाएगा हार्वेस्टिंग में इसको, क्योंकि एक बहुत छोटे छोटे हैं और जितने खाने की ज़रूरत हो छत पे आइए और खाइए, इस ये सिस्टम है मेलेबेरी में। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अडेनियम का थोड़ा अपडेट। तो देखिए अडेनियम की मैंने प्रूनिंग की थी तो काफ़ी अच्छे जो है इनमें बर्ड्स निकल गए हैं, ये देखिए। तो ये अडेनियम मेरा अब थोड़ा भूसी हो जाएगा। ये जो था लोकल जो होता है ना वो अडेनियम था, वो मेरा ग्राफ्टेड था तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग रहा है। मैंने इसकी प्रूनिंग फर्स्ट टाइम की हूँ लेकिन अभी तक इसमें जो है बंचेज नहीं मतलब ये नहीं निकला है, तो देखते हैं इसका क्या करना है। फिलहाल तो इसमें कोई भी इसकी अभी नहीं निकली है लेकिन निकलेगी उम्मीद है। मैंने उसकी ज़्यादा डीप कटिंग नहीं की थी लेकिन फिर भी सक्सेसफुल होगा, नहीं भी होगा तो जो ब्रांचेज है उसमें ही फूल आएंगे। बाकी ये काफ़ी अच्छा मेरा सक्सेस हो गया है। तो देखिए अडेनियम में भी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे अडेनियम में भी आ गए हैं जैसे अडेनियम के प्लांट कि कुछ प्लांट की अगर आप कटिंग कर दीजिएगा ना तो वो ज़्यादा नहीं खिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो ज़्यादा खिलते हैं। तो ये सब नर्सरी वाले से पूछ के ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कोशिश कीजिए हमेशा नर्सरी वाले से इसके बारे में अच्छे से पूछ के लीजिए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये देखिए मेरा इधर मैंने देसी गुलाब की कटिंग की थी तो इसमें काफ़ी अच्छे ये बर्ड्स निकले हैं और बहुत अच्छे बहुत क्वालिटी के इसमें ज़्यादा मतलब बंचेज में फूल खिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक है मेरा ये क्या बोलते हैं बारबा वैरायटी की चेरी थी तो चेरी का मैंने ये पौधा लगाया था। तो चेरी तो ठंड में आती है लेकिन इस बार पता नहीं क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पहली बार ये पौधा लगाया था तो देखिए इस समय मेरे चेरी में फूल आए हैं। अब पता नहीं ये फूल सेट होंगे कि नहीं होंगे, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोग को इसके बारे में कोई भी आइडिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या इस समय चेरी में फूल आते हैं फल लगते हैं, क्योंकि मुझे कोई इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है इसको। बस अब मैंने आज ही इसमें फूल देखा है तो इसको खाद वाद थोड़ा दे दूंगी, नहीं तो मैंने इसकी देखिए खाद वाद कुछ नहीं मिलाया था क्योंकि इससे लगा कि ठंड में फूल देगा तो मैं उस अक्टूबर के समय ही इसमें खाद वाद डालूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें अभी ही फूल आ रहे हैं, रिसेंटली देखिए अभी बहुत से फूल खिले भी नहीं है, बहुत से फूल लग रहे हैं। तो क्या करना है इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी हमारी अड़हुल की देखिए मैंने कटिंग की थी तो इस तरह से अड़हुल में देखिए छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं, तो इनको आप प्रेशर के पानी से धोइए, थोड़ा नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या फिर कोई भी फंगीसाइड है तो जैसे फूल वगैरह के लिए अगर ऑर्गेनिक नहीं भी है तो साफ फंगीसाइड का आप स्प्रे यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़्यादा मैं हार्वेस्टिंग तो नहीं कर पाई, बस ये हमारी छोटी हार्वेस्टिंग थी और थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
ताकि हार्वेस्टिंग दिखाना था, बहुत से लोग कह रहे थे हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग, तो अभी हार्वेस्टिंग वैसा कुछ चल नहीं रहा है क्योंकि सिर्फ टमाटर है और गोभी है, बाकी तो अभी सब्जियां लगाने का प्रोसेस है, तो मैं हार्वेस्टिंग क्या करूँगी। तो इसलिए ये सब चल रही है गार्डन टूर या फिर कुछ गार्डन में हो रही एक्टिविटियाँ को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ वैसे खाद वगैरह जो दे रही हूँ मैं उसको भी रिपीट करूँगी, तो उसके मेरे चैनल पर पब्लिश होगा, तो आने वाले वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सबको बाय करते हैं हम लोग। हाँ तो अब ये बोलना भी सीख रही है, धीरे धीरे बोलने लगेगी तो यही आप लोग को बताएगी, पूरा गार्डन टूर कराएगी आज भी। सबको लाइक कैसे करते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। हाँ लाइक।